हाय दोस्तों, अगेन वेलकम माय चैनल। यदि आप तो जानते हैं कि इस समय मैं वीवो की जो है तो एडवांस हिडन फीचर्स की सीरीज बना रहा हूँ, सीरीज की वीडियो बना रहा हूँ। उससे क्या है, आप यदि वो पूरी सीरीज आप देख लेते हैं 10 पार्ट की वीवो हिडन फीचर्स की, तो आपका नॉलेज जो है तो मोबाइल को लेकर बहुत सारा बढ़ सकता है और कन्फर्म बढ़ ही जाएगा। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट पर मेरी जाएंगे तो आपको वीवो की जो है तो 1 से लेकर 10 पार्ट तक की सीरीज में अभी स्टार्ट किया, अभी 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, आज चौथा पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। तो चौथे पार्ट में आज चलिए बात करते हैं अपने एक और सेटिंग की जो हिडन रहती है, जब सभी यूजर्स को पता नहीं होती, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कैसे आप बिल्कुल आसानी से उस सेटिंग का यूज करके आप स्मार्ट फीचर्स के रूप में अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है, वहाँ से जाने के बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आप देखेंगे स्मार्ट स्प्लिट, इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे तो मैसेज स्क्रीन स्प्लिटिंग, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहा है, फ्लोटिंग आइकन इज सपोर्टेड इन द फुल स्क्रीन व्यू ऑफ द फॉलोइंग ऐप, गूगल पे मूवीज, ये देखिए जितने ऐप का ये सपोर्ट करेगा उतने पूरे बता रहा है यहाँ पर। तो इस पर आप क्या, ये स्प्लिटिंग वाला क्या देखिए ये शो कर रहा है, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपका कोई मैसेज आएगा, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, ऊपर ना कि स्क्रीन पर आपका मैसेज आएगा आइकॉन टाइप में, आप उसको ऐसे ऐसे फैला उस पर क्लिक करेंगे तो वो आधी स्क्रीन में आपका जो है तो मैसेज चलने लगेगा। आप आधी स्क्रीन में पूरा वीडियो देख सकते हैं, आधी स्क्रीन में आप वो मैसेज देख सकते हैं। तो इस पर आपका फेसबुक का मैसेज आ सकता है, इनबॉक्स मैसेज आ सकता है, ट्विटर का आ सकता है, व्हाट्सएप का आ सकता है। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, आपका ऊपर मैसेज ना आएगा, आपका स्क्रीन पर शो करेगा कि इस चीज़ का मैसेज आ रहा है। उस पर आप यदि देखना चाहते हैं कि मैसेज आप यदि देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, आधी स्क्रीन में वो वीडियो चलता रहेगा, आधी में आपका ये चलता रहेगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल इस हिडन फीचर्स का यूज करके आप स्मार्ट तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। अभी दूसरी की बात करेंगे, दूसरी सेटिंग मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट है। ये देखिए ऊपर से अभी आप 3 फिंगर करके नीचे करेंगे ना, तो ये क्या है कि जैसे देखिए मैं बता देता हूँ, अभी ये नहीं सपोर्ट कर रहा है। अभी क्या है कि मैं वीडियो बनाने वाली एक ऐप जो इनेबल करके रखा हूँ उसके कारण ये सपोर्ट नहीं कर रहा अभी। तो ऐसे आप जैसे ऊपर से स्क्रीन से नीचे खिसकाएंगे तो उसमें आप क्या है कि आपकी आधी स्क्रीन पर जो भी आप चला रहे होंगे वो चलेगा और आधी स्क्रीन पर आप दूसरी ऐप जो खोलेंगे वो चलने लगेगी। मतलब आप सिंगल स्क्रीन पर ही 2 चीज़ एक साथ देख सकते हैं, 2 चीज़ चला सकते हैं, या वीडियो भी देख सकते हैं और नीचे कुछ और भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं ये सेटिंग जो पार्ट 4 मैंने आपको बताई, इसका यूज करके आप बिल्कुल आप अपने फ़ोन को स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हिडन फीचर्स सभी को पता नहीं होते, तो मैंने सोचा बता देता हूँ आपको इस पार्ट में, तो आप इनका यूज करके बिल्कुल आसानी से आप अपनी सुविधाओं को आसान बना सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। और आप इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका तो कोई चार्ज भी नहीं है आप तो जानते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।